दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में शराब घोटाला मामले में अपनी गिरफ्तारी और सीबीआई जांच के तरीके को चुनौती दी है। सिसोदिया की ओर से सीजेआई डी वार्ड चंद्रचूड से जल्द सुनवाई की मांग की जाएगी। मनीष सिसोदिया को दिल्ली सरकार की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में सीबीआई ने रविवार को ही गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने उन्हें सोमवार को ही राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से पूछताछ शुरू कर दी है। सीबीआई ने सिसोदिया के लिए सवालों की लंबी लिस्ट तैयार की है और जांच एजेंसी सिसोदिया से गिरफ्तारी के बाद पहली बार पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि सीबीआई नए सिरे से पूछताछ करेगी। पिछली पूछताछ के दौरान वे जिन सवालों के जवाब देने से बचे थे उनसे ये सवाल फिर से पूछे जाएंगे। सिसोदिया को सोमवार को ही राउज एवेन्यू कोर्ट में ही पेश किया गया था और इस दौरान सीबीआई ने कोर्ट में दलील दी थी कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रही है, इसलिए ही उन्हें कोर्ट ने ही इसे मानते हुए सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया था। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली समेत पूरे देश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है और आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में उम्दा काम करने वाले सिसोदिया को बीजेपी सरकार झूठे आरोपों में फंसा रही है। वहीं बीजेपी ने सिसोदिया को कट्टर बेईमान बताया है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई एक्सरसाइज पॉलिसी लागू की थी और दिल्ली सरकार ने नई एक्सरसाइज पॉलिसी लाने को लेकर माफिया राज खत्म करने का तर्क दिया था। जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने ही इस मामले में एलजीबी के सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी थी और इसमें एक्सरसाइज पॉलिसी में गड़बड़ी के साथ ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का भी आरोप लगा था और इसी रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को मामला दर्ज किया था और रविवार को ही इसी मामले में सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने बताया था कि नई आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के मामले में की जा रही जांच के उपमुख्यमंत्री और प्रभारी आबकारी मंत्री और 14 अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। डिप्टी सीएम को 19 फरवरी 2023 को जांच में सहयोग करने के लिए सीआरपीसी की धारा 41A के तहत ही नोटिस जारी किया गया था। हालांकि उन्होंने व्यवस्था का हवाला देते हुए एक सप्ताह का समय मांगा। उनके अनुरोध पर फिर नोटिस जारी किया गया। हालांकि इस दौरान उन्होंने टाल मटोल करने की भी कोशिश की और जांच में सहयोग नहीं किया, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है।